सो हे गाइस, न्यूज बॉय तो हम बात करते हैं पुलिस सुपरस्टार के बारे में। तो पुलिस सुपरस्टार का एक वीडियो आपने जरूर से देखा होगा जहाँ पे लोग ना उनको पीटते हैं, जैसे पब्लिक है वो पीटते हैं। तो क्या वो वीडियो रियल है? तो इस वीडियो का वो एक सीक्रेट बताया ना, वो वीडियो भाई स्क्रिप्टेड वीडियो था, बट वहाँ के कुछ लोगों को ना पता नहीं था कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो चल रहा है, एंड वो लोग क्या करते हैं, वो भी पीटने लगते हैं। जैसे इसके बारे में बताया ना, आप देखिए। जब मैंने वीडियो बनाया ना, तो एक लड़की को पहले मैं छेड़ता हूँ, पहले एक लड़का आता है, दो लड़का आ रहा है, लड़के तीन चार इकट्ठे हो जाते हैं, पहले मेरा मुंह काला करती है, गले पे बैठाती है, मेरे को सीधा उधर मारते हैं, 1 किलोमीटर जो सेंटर पार के दिल्ली कनाट प्लेस में वहाँ पे अंदर ले जाते हैं, मारते हैं मुझे। और जो 8-10 लड़के वहाँ से निकल गए थे ना, उन्होंने सोचा ये सच में हो रहा है, उन्होंने भी जो है ना मेरे को भीख मार के मेरे कपड़े वपड़े शर्ट वर्ट फाड़ दिए, इधर से मुक्के इधर से घुसे ये वो। लेकिन मैंने उन लड़कों को मना कर दिया था कि भाई वीडियो रोकना मत, और किसी को मत बताना कि ये प्रैंक है, ओरिजिनलिटी करना। और जो पुलिस सुपरस्टार ना उन लोगों को रिक्वेस्ट किए जो भी लोग गरीबों को हेल्प करते हैं ना, अब कैसा रिक्वेस्ट किया आप खुद देखिए। लोग गरीब बच्चों में खाने बांटते हैं तो गंद के तरीके से बांटते हैं, गंदे पत्तल होते हैं उसके अंदर ऊपर से उठा उठा के देते रहते हैं, उस गंद के तरीके से देते। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अगर तुम्हारी जेब में पैसा है, अगर तुम औकात रखते हो बांटने की, तो उनको सफाई से खाना दो। तो दोस्तों गंदा खाना मत दें किसी को। मैं ये नहीं कह रहा कि अनाज गंदा होता है, लेकिन ऐसा होता है सामने वाले को दे रहे हो जैसा आप खुद खाते हो। क्या आप अपने बच्चों को भी उस तरीके से खिलाओगे, या कल को कोई आपके बच्चों को ऐसा खाना देगा गंदे पत्तल में उल्टे सीधे तरीके से, तो आप अपने बच्चों को खाने दोगे? ये कह रहा हूँ 500 लोगों को छोड़कर 50 लोगों को बांटो आप, लेकिन खाना सफाई से बांटो, शुद्ध शाकाहारी खाना बांटो लोगों को, झूठा मत खिलाओ, रात का बासी खाना मत खिलाओ। जब तुम खुद नहीं खा रहे, खुद तुम बाहर फेंक रहे हो और उसको खिला रहे हो, जब तुम अपने पेट में नहीं ले रहे तो दूसरे के पेट में कैसे डाल रहे हो? चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके एल्विस यादव के बारे में। एल्विस यादव मिले शिल्पा शेट्टी से, वो वीडियो अभी काफी ज्यादा मतलब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है, अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि उन्होंने पहले एक बिजनेस खोला था ना सैनिटाइजर बनाने का, बट बिना लाइसेंस के वो बना रहे थे ना सैनिटाइजर। इसके बाद मतलब पुलिस केस वगैरह भी हुआ था। और आपको ये भी पता होगा कि फुकरा इंसान जो है मिस्टर बीस्ट टाइप के वीडियोस बनाते हैं। तो क्या मिस्टर बीस्ट ने फुकरा इंसान को कॉल आउट किया? ये ऐसे वीडियो है ना, आप देखिए। यो गाइस लिसन अप, वी गॉट अ सिचुएशन हियर, ऑलराइट? सो देयर इज दिस टोटल फुकरा इंसान, राइट, ऑलवेज आउट हियर स्वाइपिंग माय कंटेंट लेफ्ट एंड राइट, बट यू वोंट बिलीव व्हाट आई हर्ड रिसेंटली फोक्स, दिस ड्यूड इज स्ट्रेट अप स्नैचिंग सैनिटाइजर नाउ। आई मीन कम ऑन, इवन सैनिटाइजर ain't safe from this content stealing bandit. We got to put a stop to this madness. You know what I'm saying? Let's rally the squad and protect our sanitizer, the most precious resource of 2023. तो गाइस बता दिए, totally fake video है, ठीक है? आवाज सुन के आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं शाहिद कपूर के बारे में। तो शाहिद कपूर का फिल्म हैदर आपको पता होगा, तो उस फिल्म के लिए ना शाहिद कपूर ने जो है कोई भी फी चार्ज नहीं किया, यस उन्होंने फ्री में वो मूवी किया ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं गौतम गंभीर के बारे में और जो नवीन उल हक के बारे में आपको पता होगा, नवीन उल हक एंड विराट कोहली का कॉन्ट्रोवर्सी, और जो विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर का भी कंट्रोवर्सी आपको पता होगा, नवीन उल हक के वैसे ही हुआ था ना। तो ना नवीन उल हक का जो बर्थडे था, ठीक है, तो गौतम गंभीर नवीन उल हक को जो बर्थडे विश किए वो कहे हैप्पी बर्थडे नवीन उल हक, देयर आर वेरी फ्यू लाइक यू, नेवर चेंज। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं पाकिस्तान के एक रेस्टोरेंट ओनर के बारे में। तो वो क्या करते थे ना, फॉरेन टूरिस्ट जो है स्पेशल लड़कियां, उनको ना वो जबरदस्ती करते थे, इनअप्रोप्रिएट तरीके से वो टच वगैरह करते थे, तो ऐसे उनके कुछ पिक्चर्स वायरल हुए ना, तो उनको जो जेल में डाल दिया गया। यस, पुलिस ने एक्शन ले लिया। यस, जेल का फोटो भी वायरल हो रहा है, आप देख सकते हो। और चाहे पाकिस्तान का बात हो जाए तो बात करते हैं शाहीन अफरीदी के बारे में। आपको बताओ ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर है, तो इनका ना एक स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा अभी वायरल हो रहा है। रिसेंटली इन्होंने फेसबुक पर जो फोटोज अपलोड किया, ठीक है, उनके वेडिंग सेरेमनी का, उन्होंने लिखा थैंक यू एवरीवन फॉर द वार्म एंड लवली विशेस, हियर इज टू द बिगिनिंग ऑफ लव एंड लाफ्टर विद द स्पेशल वन। एंड उसी फेसबुक पोस्ट के नीचे ना वो खुद जो है अपने आप को कांग्रेचुलेट किया। यस, उन्होंने कमेंट किया कांग्रेचुलेशंस भाई। इसके बाद क्या था, काफी ज्यादा लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं ना। जैसे एक ने लिखा था कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, एक ने लिखा था जस्ट पाकिस्तानी थिंग्स, एक ने लिखा था समटाइम्स आई टॉक टू माइसेल्फ एंड आई थिंक समवन एल्स इज यूजिंग हिज अकाउंट। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में। तो आपको पता होगा अभी कॉन्ट्रोवर्सी इंडिया वर्सेस कैनेडा का, उन्होंने ना बहुत टाइम पहले जो खालिस्तान इशू के अगेंस्ट में कुछ बोला था ना, इसके बाद क्या हुआ था, उनके फिल्म जो है पंजाब में बैंड है। इसके ऊपर रिसेंटली उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा दिस इज द स्टेट ऑफ पंजाब, जब मैंने खालिस्तान इसके अगेंस्ट में बोला था उन्होंने पूरे सिख कम्युनिटी को जो कन्विंस किया कि मैं जो सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट में हूं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात चुके हैं 28 साल के एक बंदे के बारे में जो ना इंस्टाग्राम पर लाइव आया था, ठीक है, वो ना अटेम्प्ट करता है इंस्टाग्राम लाइव पर, क्यों, क्योंकि उनके और उनके वाइफ के बीच में जो कुछ तो डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए वो अपने आप को काफी इंजर कर चुके थे ना इंस्टाग्राम लाइव पर ही। तो ना उसी टाइम जो है पुलिस को एक कॉल रिसीव हुआ, एंड कॉल किसने किया था, उनके एल्डर ब्रदर ने, एंड उन्होंने बताया कि वो जो अकेले रहते हैं एंड इमीडिएट हेल्प चाहिए। उसके बाद क्या था, पुलिस ने उनका लोकेशन ट्रेस किया एंड उनको जो बचाया, नहीं कर पाए पुलिस ने, मतलब काफी फास्ट एक्शन लिया ना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया जब तक मेरे पैर चलते रहेंगे मैं खेलता ही रहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं रोनाल्डो खत्म हो चुका है, बट ऐसा नहीं है, तो उनका अभी तक जो रिटायरमेंट का कोई भी प्लान नहीं है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं वीडियो के बारे में जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ऑफ कोर्स मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि दो बंदे वहां पे क्या कर रहे हैं ना, एक मोबाइल शॉप के एम्प्लॉइज को जो पीट रहे हैं, ये वीडियो कहां का है, दिल्ली कमला नगर का, ठीक है। अब वो लोग पीट क्यों रहे थे भाई एम्प्लॉइज को, क्योंकि उनका आईफोन 15 के डिलीवरी
डिलीवरी में जो डिले हुआ था इसलिए। लो भाई आईफोन 15 के लिए भी जो है झगड़ा कर रहे हैं भाई। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, युगेश रेशम राइडर के बारे में। तो युगेश रेशम राइडर भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे ना, अब गुस्सा क्यों है ना उनके व्लॉग का मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूं, आप खुद देखिए। समझा चुका हूं कि भाई विदाउट हेलमेट तो पहले ऐसे पीछा भी मत करा करो, और रात को गाड़ी नहीं रुक सकती यार टेनिकॉस, आप कितनी दूर तक बैंकर पीछे करोगे। देखो बैंकर एक लड़का बाहर चल रहा है, दिखाना बैंकर फोन भी यूज कर रहे बिना हेलमेट के, और विदाउट हेलमेट अगर गिर जाओगे ना तो चोट आपके लगेगी गाइस। हम लोग गाड़ी में, हमें गाड़ी में कुछ नहीं होगा, समझा करो यार। भाई क्या कर रहे हो भाई, गिरोगे भाई, गिरोगे प्लीज भाई, गिरोगे, आपका हेलमेट भी नहीं, आप गिरोगे भाई, आप गिरोगे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान को ना ट्विटर पर किसी ने पूछा, अब्रम ने जवान देख के क्या कहा, अब्रम कौन है भाई, वो है शाहरुख खान के छोटे बेटे। तो शाहरुख खान कहे बाप बाप होता है, नो नो जस्ट जोकिंग, ही लव्ड द फाइट विद द बिग गाय, ही लव्ड इट इन द क्लाइमैक्स। तो उसका जो वीरेंद्र सहवाग भी रिप्लाई किया, बिल्कुल चाहे क्रिकेट का मैदान हो या सिनेमा, बाप बाप होता है। तो चलिए अगली ये अपडेट के बारे में बात करते हैं, एमएसके के बारे में। तो एमएसके ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज पोस्ट करके बताया कि उनका जो बैग एक्सचेंज हो गया था एक बंदे के साथ, ठीक है। इसके बाद जैसे उन्होंने अपडेट दिया है तो उनके एक सब्सक्राइबर ने उनको हेल्प किया। Yes, वो जो दो स्टोरीज पोस्ट किए थे आप खुद देखिए। अभी सीन ऐसा है कि लास्ट जो दो स्टोरी मैंने डाली थी वो मैंने डिलीट कर दी, बिकॉज हमें उस बंदे का कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया है जिस बंदे के साथ मेरा बैग एक्सचेंज हुआ है। तो वो बंदा है भी वो रूरकी जा रहा है, रूरकी आईआईटी में, एंड वहां से मतलब उसका बैग मुझे रूरकी भेजना है और रूरकी से मेरे को मेरा बैग लेकर आना। लेकिन मेरे को मेरा बैग अर्जेंट इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें मेरे कपड़े हैं, यहाँ पर नो इवेंट में जाने के लिए कपड़े से ज्यादा उसमें मेरे मेडिसिन है। तो कोई ऐसे सब्सक्राइबर है जो रूरकी से है, अगर सामान लाने में अगर हेल्प कर सकते हैं तो बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं आपका। प्लीज आप अगर रूरकी से हैं तो आप पूनम को डीएम कीजिएगा, है ना। तो मैं अपना डीएम दे सकता था बट मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते रहते थे, एक बार पूनम को डीएम कीजिएगा अगर आप रूरकी से हैं और हेल्प करना चाहते हैं यार भाई, अब मेरे को जरूरत है थोड़ी यार तुम्हारी। ऑलराइट, तो अपना जो बैग वाला सीन हुआ था वो सॉर्ट हो गया है। आप ही में से एक सब्सक्राइबर है हमारे जावेद भाई, उन्होंने ये सीन सॉर्ट कर दिया है, तो होपफुली कल दोपहर तक हमें अपना बैग मिल जाएगा। जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी लोग और भी लोग को शुक्रिया जो लोग मैसेज कर रहे थे जो हेल्प के लिए सामने आए। तो यार यूट्यूबर होने के कुछ तो फायदे आए यार। तो वैसे आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ना भाई आज मैं थोड़ा सा लो साउंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत ज्यादा फीवर होकर रखा भाई मुझे, ठीक है, एकदम भाई जैसे तैसे करके मैंने वीडियो बनाया हुई आज।